नमस्कार, दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर उपायुक्त समाहरणालय सभागार में की गई अहम बैठक। 21 ग्रामीणों की गिरफ्तारी को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने किया आदित्यपुर थाना का घंटों घेराव। आगामी 22 जनवरी को रामोत्सव मनाने के लिए सज रहा जमशेदपुर का बाजार। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला स्तरीय झंडोत्तोलन समारोह की तैयारी को लेकर गुरुवार को समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। इसमें मुख्य अधिकारियों और कॉरपोरेट कंपनियों के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी को उनकी जिम्मेदारियां बांटी गई। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय गोपाल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्य अतिथि सुबह 9:05 पर झंडोत्तोलन करेंगे। परेड और झांकियों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियों को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही झांकियों को आकर्षक रूप देने की बात कही। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। साल 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो जिला स्तरीय समारोह कार्यक्रम होगा उसका हम लोगों ने संपूर्ण तैयारियों का समीक्षा किया और निर्देश दिए हैं। भोपाल मैदान में 9:05 में झंडोत्तोलन मुख्य अतिथि के द्वारा किया जाएगा और उस पर झांकियों का प्रदर्शन होगी और जो जिले में जो बेहतर जो प्रदर्शन किए हैं अपने अपने क्षेत्र में उनको पारितोषक भी दिया जाएगा और उस दिन संध्या समय लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सभी को अनुरोध किया है कि 15 तारीख तक जमशेदपुर शहर भी इलाके में यातायात प्रणाली को सुधार करने के। गणतंत्र दिवस 2024 को लेकर आज बैठक आयोजन किया गया, जिसमें कुल कितनी टुकड़ियाँ परेड में भाग लेगी, परेड के रिहर्सल कौन से दिन होंगे, अंतिम रिहर्सल 24 तारीख को होगी और इसमें जिला बल के, जैप के, होमगार्ड के, स्काउट गाइड के और एनसीसी की प्लेटून इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ उस दिन विधि व्यवस्था चाक चौबंद तरीके से रहे, ट्रैफिक की किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसको लेकर की विस्तृत चर्चा की गई। तो पूरा समारोह बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, भव्य तरीके से सम्पन्न हो, इसको लेकर के जो है निर्देश जारी किए गए हैं और जिसका अनुपालन आने वाले समय में किया गया। सर, थाना क्षेत्र अंतर्गत हथियाड़ी गांव के पास इंडस्ट्रियल पार्क में निर्माणाधीन नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में छेड़खानी के विरोध में हुए बवाल मामले में विरोध कर रहे 21 ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को सैकड़ों ग्रामीण हथियाड़ी गांव से आदित्यपुर थाना घेराव करने पहुंचे, जहां 3 घंटे तक थाना गेट को जाम रखा गया। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले थाना गेट जाम कर रहे लोगों की प्रमुख मांग में उनके नेता प्रेम मार्डी समेत 21 ग्रामीणों की अविलंब रिहाई शामिल थी। ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते मौके पर सरायकेला एसडीओ पारुल सिंह, मुख्यालय डीएसपी चंदन वत्स, चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह के साथ घंटों चली वार्ता के बाद उग्र ग्रामीण माने, जिसमें गिरफ्तार कर जेल भेजे गए लोगों को प्रशासनिक स्तर पर न्यायालय से रिहा किए जाने के संबंध में हर संभव सहायता प्रदान किए जाने के आश्वासन पर थाना गेट जाम ग्रामीणों ने हटाया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने एक मांग पत्र भी प्रशासन को सौंपा है, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वीकार किया है। ग्रामीणों की मांग के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला मुख्यालय डीएसपी चंदन वत्स ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में गिरफ्तार लोगों के प्रति संवेदना दिखाते हुए उन्हें मकर संक्रांति एवं टूसू पर्व के पहले रिहा किया जाए, जिस पर डीएसपी द्वारा बताया गया कि मामला कोर्ट के अधीन है, न्यायालय द्वारा ही जमानत दिया जाएगा। सरायकेला एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया है। हुई है उसके संबंध में जेबी केसेस के लोगों ने आकर एक ज्ञापन सौंपा है और हमने वो ज्ञापन एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने मांग की है कि जो कल गिरफ्तारी हुई है उसके संबंध में हम नरमी दिखाएं, पर जो कानून के दायरे में होगा हम लोग वो करेंगे और बाकी ज्ञापन सौंप कर वो चलेंगे। मांग वही है कि उन्होंने ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मतलब एक डिमांड रखा है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके मकर संक्रांति के पहले छोड़ने के लिए, हालांकि उन्होंने कहा है
तो वो तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब छोड़ा जाए। 22 जनवरी अयोध्या में भगवान राम विराजने वाले हैं, उसको लेकर अयोध्या सहित पूरे देश में दीपोत्सव की तैयारियां जोर पर हैं। जहां पूरा देश राममय हो गया है, वहीं लौह नगरी जमशेदपुर में भी इसकी छटा देखते ही बन रही है। क्या आम क्या खास, सभी रामोत्सव मनाने में लग गए हैं। शहर के कुम्हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी के दिए बनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री देश की जनता से उस दिन दीपोत्सव मनाने का आग्रह किए हैं। उसी को लेकर जमशेदपुर के कुम्हार भी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इस बार खास यह है कि मिट्टी के दिए के साथ साथ मिट्टी के दियों पर रंग कर उस पर जय श्री राम लिखा जा रहा है, जो अपने आप में आकर्षित कर रहा है। जय श्री राम लिखे हुए मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई है, जिससे कुम्हार के चेहरे भी खिल उठे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुम्हार अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर रंगीन मिट्टी के दिए बनाने में जुट गए हैं और इस दीप उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कुम्हारों का मानना है कि जय श्री राम लिखे हुए इस दिए से लोग अपने घरों को सजाएंगे तो भगवान श्री राम काफी खुश होंगे और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। कुम्हारों का साफ कहना है कि इस जय श्री राम लिखे हुए दियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इन्हीं दियों में 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने से भगवान श्री राम सभी के घर पधारेंगे, यह कुम्हारों का मानना है। जमशेदपुर शहर के कुम्हारों का यह भी मानना है कि जय श्री राम लिखे इन दियों से वे लोग सभी भक्तों के घरों तक भगवान श्री राम को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन दियों को बनाकर शहर के कुम्हार काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं इस दिए को देखकर शहर के आम लोग भी काफी आकर्षित हो रहे हैं। लोग जय श्री राम लिखे हुए दिए की खरीदारी कर रहे हैं और अन्य लोगों से अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में शहर के लोग इसकी खरीदारी करें और श्री राम के आगमन के स्वागत को लेकर जमशेदपुर के हर घर में मिट्टी के दिए जले। लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपील किए हैं कि 22 जनवरी को हर घर दिया जलना चाहिए और जब श्री राम का आगमन हो रहा है तो पूरा जमशेदपुर शहर दिए की रोशनी से जगमग होगा। इसको लेकर इस कुम्हार परिवार ने भी श्री राम के नाम से अपने दिए को और भी खूबसूरत बना दिया है। शहर के लोगों ने इस परिवार की मेहनत को सलाम करते हुए ज्यादा से ज्यादा दिया खरीदने और परिवार को मजबूत करने की अपील शहर के अन्य लोगों से की है। इस बार जमशेदपुर के हर घर में श्री राम के नाम से दिए शहर की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। अयोध्या में राम जी का आगमन हो रहा है तो हम लोग भी सोचे कि दिया में जय श्री राम लिखकर इसे बाजार में लाया जाए, घर घर में दीप जले और सबको राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। कर रहे ऐसे तो लिखकर हमने कुछ लोगों को दिया है। अब देखिए लोग आएंगे तो अगर ऑर्डर मिलेगा तो हम लिख के देंगे। दिए पर हमने राम जी का नाम लिखा है तो इसका खूबसूरती भी बढ़ गया है, तो लोग आकर दिया ले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से अपील की है और स्वतः ही हर हिंदू, मुझे लगता है कि हर सनातनी को तो इस शुभ दिन का इंतजार था। 500 साल के बाद ये शुभ मेला आया है कि हमारे प्रभु आराध्य प्रभु श्री राम अपने मंदिर में अपने महल में विराजने जा रहे हैं, तो अब स्वतः ही ये उत्सव का दिन है और लोग इसको उत्सव मनाएंगे और उस ऊपर से नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है वो सराहनीय है। हर घर में दीप जला करके दिवाली हमें मनानी है। इस दिन को इतना पावन दिन है, ऐसे ही ये दिन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें धूमधाम से दूसरी दिवाली 22 तारीख को पूरे भारतवर्ष में मनानी है। इसी बीच जमशेदपुर में एक कुम्हार परिवार ने जो एक पहल की है, जिसमें दीप में उन्होंने श्री राम का चित्र बनाया है, जिससे उनका आम जन को जो भी दीप जलाएंगे उसमें श्री राम की छवि उन्हें दिखेगी, तो ये बहुत सराहनीय है। उस कुम्हार परिवार को मैं नमन करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी जमशेदपुर वासियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस कुम्हार परिवार के दिया को खरीदे, जिससे उस परिवार का आर्थिक भी सहयोग हो सके और जमशेदपुर के जितने भी कुम्हार हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदू परिवारों से अपील करना चाहता हूँ और हर वर्ग के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए को खरीदें, जिससे कुम्हार परिवार का आर्थिक
सहयोग भी हो सके और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सके। क्योंकि हमारे देवी देवता सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, हमारे देवी देवताओं के तीज त्यौहार से हमारा देश में एक अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है। जब जी बिल्कुल हम लोग खरीदारी कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि आप भी जाकर के कुम्हार के घरों से जाकर के दीप खरीदें और दीप जलाएं। और ये अनोखी पहल है, मैं बहुत नमन करता हूं उस कुम्हार से जिन्होंने इतना अच्छा सोच रख करके इस कार्य को किया है, उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद है। झारखंड राज्य के जनक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन और पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बर्मा माइंस क्लब हाउस में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने शिरकत कर स्वर्गीय सुनील महतो को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्तदान किया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी क्रम में बर्मा माइंस स्थित क्लब हाउस में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर जिला के पदाधिकारी ने सर्वप्रथम स्वर्गीय पूर्व सांसद सुनील महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और रक्तदान कर मानव सेवा की। माता आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्मदिन एवं वीर शहीद सांसद सुनील महतो जी के जयंती के उपलक्ष्य पर हर वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। और हमारा मकसद यही रहता है कि गुरु जी ने इस झारखंड राज्य को बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर झारखंड राज्य बना। उनका संघर्ष को देखते हुए हम लोग को भी मन में ये विचार आया कि उनका जन्मदिन को भी हम लोग कुछ खास बनाए, और जिसके चलते आज हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, ताकि जो रक्त संग्रह करेंगे और जिसको भी जरूरतमंद को रक्त मिलेगा, कहीं ना कहीं उनका दुआ जरूर गुरु जी के को मिलेगा और उनका आयु और बढ़ेगा, इस सोच के साथ हम लोग आज रक्तदान शिविर का। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से प्रसिद्ध रहे शहर के पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुरुवार को कैरेज कॉलोनी बाबा कुटी स्थित श्री श्री राम मंदिर समिति के अध्यक्ष पप्पू राव के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद के चंद्रिका भगत, मनीष सिंह, जनार्दन पांडे, भोला लोहार, कन्हैया पांडे सहित सैकड़ों लोगों ने पंडित दीनदयाल भवन स्थित स्मारक स्थल में स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर दीनानाथ पांडे के सानिध्य में कार्य करने वाले सहयोगी साथियों को माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। वहीं अयोध्या गए कार सेवकों को अंगवस्त्र व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाबा की प्रतिमा स्थल से जुलूस की शक्ल में करीब 200 लोगों ने अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण बांटा। इस अवसर पर अध्यक्ष पप्पू राव ने कहा, हम सभी भाग्यवान हैं, अपने जीवन काल में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होते हुए देख रहे हैं, जबकि इसके लिए देश के कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। कार सेवा में पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे शामिल रहे। उन्होंने बताया, राम मंदिर बाबा कुटी में हम लोग एक प्रस्ताव रखे हैं, आज स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की पुण्यतिथि पर उन्हें आमंत्रित करने आए हैं, ताकि उनकी आत्मा कहीं भी रहे आकर इस आमंत्रण को स्वीकार करे। उन्होंने कहा, 22 जनवरी को बाबा कुटी राम मंदिर में भव्य आयोजन किया जाएगा, इसके लिए बस्तीवासियों का काफी सहयोग मिल रहा है, साथ ही लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। को धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और ये आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये स्वर्गीय दीनानाथ पांडे स्मारक समिति की तरफ से, जिसके अध्यक्ष हमारे जेपी यादव जी हैं, इनके ही ये जो है आपका नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया है। और इनके इन यहाँ पर जो बाबा की प्रतिमा है स्वर्गीय दीनानाथ पांडे जी को, इनको अयोध्या वीर के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर के जितने कार सेवक थे वो सभी इनके ही नेतृत्व में वहाँ गए थे अयोध्या उस समय। तो आज इनको आमंत्रित करने के लिए बर्मा मैन से श्री श्री राम मंदिर समिति बाबा कुटी और विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जनार्दन भैया, मनीष जी, चंदन दास जी, कन्हैया पांडे जी, इन सभी के नेतृत्व में एक बड़ा जत्था यहाँ पर आया और बाबा की प्रतिमा को यहाँ आमंत्रित करने के लिए इन लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा पप्पू जी से कि आप इनसे पूरा विषय समझे एक बार। पूर्वी सिंहभूम जिले के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के निर्देश पर शहर में बढ़ती ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण अभियान चलाया गया। गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव राजा सिंह राजपूत व जिला सचिव सुल्तान अहमद के नेतृत्व में बारीडी मर्सी चौक के पास जाहिर टोला टेम्पो स्टैंड में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया।
मौके पर गोलमुरी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष लक्की शर्मा, बारीडी मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरे कृष्णा लोहार, मंडल अध्यक्ष मनीष मांडी, महासचिव गोविंद बगदल, जिला सचिव अनीता कुमारी, पूजा डे, नरेश पंचू, रोविन शर्मा, प्रिंस माशी, अजय मासी, संदीप कुमार, टीजे नायर सहित काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, बढ़ती ठंड को जिस प्रकार पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, राज्य में पड़ रही है, आज जन नेता जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार जी के निर्देश पर आमजनों की सुविधा को देखते हुए बारीडीर जाहिर टोला टेम्पू स्टैंड के चौक पर हम लोग कंबल वितरण किए हैं ज़रूरतमंदों के बीच में। और हमारे नेता जन नेता डॉक्टर अजय कुमार जी का एक निर्देश था कि मैं शहर में रहूं या ना रहूं, आप लोग जन सेवा में हमेशा तत्पर रहे। उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग ये काम कर रहे हैं और कंटिन्यू ये काम चलता रहेगा। जैसे भाई हमारे सुल्तान जी बताया कि ठंड जैसे जैसे पड़ते रहेगा, हम लोग कंटिन्यू अपना सेवा जारी रखेंगे। और एक नारा है शुरू से हमारे देश में ही, कांग्रेस का हाथ आम जनों के साथ। हम सब आम जनों के साथ है, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम सब आम जनों के साथ खड़े हैं। गुरुवार को पत्रकार वार्ता में सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन द्वारा विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित विचार साधना सत्र के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे दिल्ली के सुप्रसिद्ध वकील एवं PIL मैन ऑफ इंडिया श्री अश्विनी उपाध्याय और विशिष्ट अतिथि होंगे जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युत वरण महतो। अध्यक्षता करेंगे पूर्व चीफ ऑफ फैक्ट्रीज श्री अरुण मिश्रा। कार्यक्रम अपराह्न 5 बजे से प्रारंभ होगा। भाषण का मुख्य विषय है राम राज्य और भारतीय संविधान। मुख्य अतिथि की प्रसिद्धि उनके राजनीति के क्षेत्र में शुचिता लाने एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु लाया गया PIL, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने PMLA कोर्ट की स्थापना की। वर्तमान में वक्फ बोर्ड एक्ट की असंवैधानिकता पर याचिका डाली है, वर्शिप एक्ट के विरुद्ध भी PIL किया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में 125 एवं दिल्ली उच्च न्यायालय में 25 PIL दायर किया है। पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से तुलसी भवन के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र मुनका, कार्यक्रम के संयोजक एवं भारतीय जनसभा के अध्यक्ष धर्मचंद पोद्दार, बजरंग सेवा संस्थान के अध्यक्ष सागर तिवारी, हिंदू जागरण मंच के राजू कुमार, तुलसी भवन के मानद महासचिव प्रसेंजित तिवारी उपस्थित रहे। अश्विनी उपाध्याय की विशेषताओं में से है कि अश्विनी उपाध्याय राष्ट्रीय विषयों पर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके 125 PIL वहां पर स्थापित है और दायर हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी 25 PIL उनके तरफ से किया गया है। इसीलिए उन्हें PIL मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट एक न्यायाधीश ने कहा था कि लगता है कि हम सबको एक अश्विनी उपाध्याय के लिए एक बेंच स्थापित करना पड़ेगा। और इस तरह से हम सब जानते भी हैं उनके PIL के बारे में सबों को, जो राजनीति में स्वच्छ सुचिता और भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उन्होंने किया था। तो उस कारण से सुप्रीम कोर्ट का उस पर अपना डिसीजन भी आ गया है, जिसमें PMLA कोर्ट स्थापित हुए हैं। और हम सब देख रहे हैं कि अनेक राजनीतिक अपने बुरे कर्मों के कारण उसका दंड पा रहे हैं या उसका निवारण हो रहा है। और अभी भी उसमें उन्होंने एक और बात जोड़ दी है कि 1 वर्ष के अंतर्गत उन सभी का, वो जो राजनीतिकों पर केस है, 1 साल के अंदर उसका निवारण किया जाए। अभी उनके प्रमुख जो PIL है उसमें से है एक वक्फ बोर्ड पर, कि वक्फ बोर्ड में बहुत ही गलत कानून बन गया है कि वो वक्फ बोर्ड जिस जमीन को अपना बोल देता है उस जमीन को वक्फ बोर्ड का हो जाता है। अब आपको अपने जाकर उसमें साबित करना पड़ेगा। और मजेदार है कि वो उसके जो जज हैं वो भी वक्फ बोर्ड के लोग हैं, वकील, सुनवाई, मुहर्रिर सभी वक्फ बोर्ड के लोग हो जाते हैं ट्रिब्यूनल में। तो बहुत कठिन स्थिति में देश की जनता पड़ी हुई है। वैसे ही जो वर्शिप एक्ट आया था उसकी भी असंवैधानिकता के लिए उन्होंने PIL जारी रखा है, क्योंकि एक नरसिंह राव ने अपने समय में घबराकर जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो एक एक्ट उन्होंने ले आए 1947 के पहले, जो भी सबकी परिस्थिति थी मंदिर मस्जिद सबका, वो उसी तरह से वो सभी रह जाएंगे। जबकि बहुत गलत बात है, जो आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया था, अगर जनता उसमें सुधार चाहती है तो उसके मनोभावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। न्यूनतम काशी और मथुरा, दो जो हमारे स्थान है, उनका मुक्ति तो तभी संभव हो पाएगा, इस कानून के आड़ में उसका मुक्ति नहीं रोका जाएगा। आज के परिवेश में राम राज्य की स्थापना और उसकी परिकल्पना कितना आपको उचित दिखाई देता है?
बहुत आपका अच्छा प्रश्न है, इस कारण ही हमने सबने किया है कि राम राज्य की अवधारणा के चलते जो बहुत से लोग हैं, विशेषकर से वामपंथी विचारधारा के लोग और देश में जो अन्य लोग भी हैं जो कि हिंदू संस्कृति से द्वेष रखते हैं, उन्होंने राम राज्य के बारे में बहुत ही गलत अवधारणा स्थापित की हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय संविधान ही राम राज्य की अवधारणा पर है, बकायदा संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार का चित्र लगाया गया था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए SACN News की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।